अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बायोलॉजी सेकंड ईयर की स्कीम आल पंजाब बोर्ड की और 2023 की स्कीम है। और इसके अलावा बच्चे, मैं आपको बता दूं कि मैंने बाकी जो सभी सब्जेक्ट है सेकंड ईयर की उसकी भी स्कीम अपलोड कर दी हुई है। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्कीम के बाद इनके जो नोट्स वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सब भी अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको फिर वीडियोज जो है वो इजिली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं लाहौर, सरगोधा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी का, फैसलाबाद, गुजरांवाला। तो बच्चे इसमें आ जाते हैं आपके जो पेपर है, बच्चे आपने तो पेपर दिया हुआ फर्स्ट ईयर का, आपको तो पता है कि 15 मार्क्स का जो पेपर है वो फर्स्ट ईयर का और 15 मार्क्स का जो पेपर है वो सेकंड ईयर का आप लोगों का प्रैक्टिकल में चल रहा था, यानी कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो 85 मार्क्स का ही होगा, 3 घंटे का ही आपको टाइम दिया जाएगा, सेम पैटर्न ही वैसे ही होगा, इनके फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज का होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 आपने करने हैं, 4 की आपको चॉइस होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 आपने लिखने हैं और 12 के, यानी कि आपको 12 नंबर इसके हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि चॉइस आपको इसमें 3 क्वेश्चंस की होगी। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो बचे 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 3 आपने लिखने हैं, तो यानी कि आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी, टोटल आपके हो जाते हैं 85 मार्क्स। और उसके बाद आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज की तरफ, तो बचे चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 2 आएंगे, 17 में से 1, 18 में से 2, 19 में से 1, 20 में से भी 1, 21 में से भी 1, और उसके बाद 22 से लेकर 27 तक, यानी कि सभी में आपको जो 1 एमसीक्यूज आएंगे, टोटल आपके हो जाते हैं 17। और उसके बाद आ जाते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो बचे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि 12 दिए जाएंगे, 8 आपने करने हैं, तो चैप्टर नंबर 15 में से 3 आएंगे, 16 में से 3 आएंगे, 18 और 26 और 27 इसमें 2 आएंगे, यानी कि एक तरह का आपका इन चैप्टर्स का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इन चैप्टर्स की तैयारी करो, ताकि आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो एक क्वेश्चन है समझो कि आपका वो पूरा हो जाए 16 नंबर का। इसका ये हो जाएगा कि आपको ये हौसला जाएगा, चले आपको 16 जो मार्क्स का पेपर हो गया, तो नेक्स्ट फिर आप नेक्स्ट देखिएगा 17, 22, 23 और 25। ठीक है, इन 4 चैप्टर से बच्चे आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह से आपका एक और 16 नंबर का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपकी मर्जी है कि बच्चे आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ भी सकते हो, 3 चैप्टर से बेस्ट वाला तैयार कर लो, तो आपका ये वाला चैप्टर जो है वो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, इनके 32 नंबर का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आपने एमसीक्यूज की 17 अगर तैयारी कर लें तो आपका बच्चे फिर आपको खुद ही हो जाएगा आइडिया कि इतना हो गया, नेक्स्ट अब इतना करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे जैसा कि मैंने कहा था 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 आपने करने हैं, तो वो भी आपको 19 का, 20 का, 21 का और 23 का पेयर बन रहा है। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो हो जाएगा। और अगर वैसे देखा जाए तो बच्चे 20 वाला जो है इसको छोड़ दो, बाकी 3 कर लो, फिर भी आपका बेस्ट हो जाना है, नहीं तो आप कोई भी 3 कर लो, आपका क्वेश्चन जो है वो इजिली हो ही जाने हैं इसके। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे 15 और 25 का पेयर बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 16 और 20 का बन रहा है, 17 और 27 का बन रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में 18 और 22 का बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में 19 और 24 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये सारा मैंने आपको बता दिया है टोटल डिटेल में, तो अब आपकी मर्जी है, आप जिस हिसाब से भी आपको जो भी चैप्टर ईजी लगे उस हिसाब से कर लीजिएगा। इसके अलावा बच्चे आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, तो जिन्होंने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।